नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से शराब को लेकर एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे कई लोग खुशी से झूम उठेंगे, तो वहीं कई लोगों को दुख होने वाला है। आखिर ऐसा क्या कुछ फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से शराब पर एक बेहद अहम फैसला लिया गया है। दरअसल विधानसभा परिषद में बसपा के सदस्यों की तरफ से अनुसूचित जाति बाहुल्य इलाकों में शराब की दुकानें खोलने का मुद्दा उठाया गया था। बसपा की तरफ से आबदारी दुनान नियम 1968 में किए गए संशोधनों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिसका जवाब आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने दिया। नितिन अग्रवाल ने कहा कि अनुसूचित जाति बहुल इलाकों में मदिरा की दुकानों का लाइसेंस दिए जाने या संचालन किए जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर मानकों के उल्लंघन की आपत्ति आएगी तो जांच कराई जाएगी। साथ ही इस दौरान आबकारी मंत्री ने एक ऐसी जानकारी दी जिसे सुनकर जहां श्रद्धालु झूम उठे, तो वहीं शराबियों को बहुत दुख होने वाला है। दरअसल आबकारी मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या में मंदिर परिसर के आसपास की सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, यानी राम मंदिर के आसपास में कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। एक तरफ जहां राम मंदिर के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्म स्थान के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली शराब, बियर और भांग की 37 दुकानों पर भी ताला जड़ दिया गया है। 1 जून से मथुरा शहर के 22 वार्ड की 37 दुकानों पर शराब और बियर की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। इस प्रकार का आदेश आबकारी विभाग को मिल गया है, जिस पर विभाग ने कार्रवाई भी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 सितंबर 2021 को मथुरा दौरे पर गए थे। तब उन्होंने मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित करते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास मांस और मदिरा की बिक्री पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने की घोषणा की थी। 2 दिन पहले ही विभाग को तत्काल प्रभाव से दुकानों को बंद कराने का आदेश मिला और इस पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने 1 जून से शराब की दुकानों को पूरी तरीके से बंद करा दिया है। विभाग की तरफ से की गई कार्रवाई के कारण अब शहर के स्टेट बैंक चौराहे पर होटल ब्रजवासी रॉयल, सौंख अड्डा पर आतिथ्य पैलेस और मसाही चौराहे पर सिल्वर स्टार होटल के बारे में भी शराब और बियर नहीं मिल सकेगी, क्योंकि ये सभी श्री कृष्ण जन्म स्थान के 10 किलोमीटर की परिधि में आते हैं। योगी सरकार ने हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है, जिससे तीर्थ स्थल के आसपास अब शराब या मांस नहीं मिल सकेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।